सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपकी भरपूर डिमांड पे एक और गाड़ी का रिव्यू लेके हाज़िर हो गया हूँ आपके लिए। ब्लैक कलर में गाड़ी है, होंडा सिविक 5 मॉडल है, 2006 का नंबर गाड़ी को लगा हुआ है। गाड़ी फॉर सेल है गुजरांवाला में अलहक मोटर्स जी मेगोनिया के बिल्कुल अपोजिट साइड पर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू भी करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उस सबसे पहले काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। तो भाई को आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेहरबानी भाई को सपोर्ट करें। तो और इस तरह के अगर आप लोग चाहते हैं कि गुजरांवाला में किसी भाई की गाड़ी का मैं रिव्यू करूँ तो मुझे कमेंट करें। मेरा फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का मैं डिटेल रिव्यू करूँगा आके। अगर गाड़ी फॉर सेल भी है तो उसके लिए भी मैं रिव्यू कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो आए शुरू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। तो आए व्यूवर्स, सिविक ईगल शेप जिसको कहा जाता है, ईगल आई टाइप इसकी शेप होती है फ्रंट हेडलाइट्स की। तो इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अल हक मोटर्स गुजरांवाला से आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। आप पॉज करके इनका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जी बिक्टोलिया के बिल्कुल अपोजिट साइड पर इनका शोरूम है। तो आएँ इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं, फ्रंट पर देखते चलें। तो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत सी जो है हेडलाइट आ जाती है, दरमियान में हेलोजन बल्ब, इस साइड पर पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, काफ़ी खूबसूरत हेडलाइट है गाड़ी की। दरमियान में काफ़ी खूबसूरत सी ग्रिल है ब्लैक कलर में, ऊपर काफ़ी खूबसूरत सी स्ट्रिप आ जाती है क्रोम में बोनट की। नीचे जो है इसका एम्बोलम, होंडा का एम्बोलम आ जाता है। इस साइड पर देखते चले तो हमारे पास जो है इधर नीचे हमारे पास जो है वो फोक लाइट आ जाएगी, ठीक है। बॉडी कलर गाड़ी का बम्पर है, दरमियान में देखते चले तो हमारे पास नंबर प्लेट की ऑप्शन आ जाएगी, उससे नीचे भी एक काफ़ी खूबसूरत सी ग्रिल है, बाकी सेम है। गाड़ी जो ओवरऑल सामने से गाड़ी की लुक है, गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ह्यूज सा बोनट आता है, बोनट के अंदर दोनों साइडों पर आपको एक लाइन नुमाया होगी जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। गाड़ी साइडों से शावर है, ठीक है, छत और हाफ डिक्की भी शावर है, हाफ बोनट भी शावर है। नॉन एक्सीडेंट कार है, फॉर सेल है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो वाइपर वॉशर्स आ जाएंगे, बेसिक से वाइपर्स हैं। काफ़ी खूबसूरत सी विंग स्क्रीन है। इस साइड पर देखते चलें तो नॉर्मल से हमारे पास फेंडर आ जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट आ जाती है। नीचे देखते चलें तो हमारे पास जो है काफ़ी खूबसूरत सा टायर आ जाता है। टायर की कंडीशन भी तकरीबन आप 75-80% कह सकते हैं, अलॉय व्हील्स गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। गाड़ी का जो टायर साइज़ है 195/65R15 में गाड़ी का टायर साइज़ है। अंदर से भी आप गाड़ी देख लें, गाड़ी में ओवरऑल कोई काम नहीं होने वाला। नीचे से देखते चले तो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की नॉर्मल है, ठीक है, पाकिस्तानी रोड के लिहाज से नॉर्मल कंडीशन है। फ्रंट डोर से बैक डोर आप विज़िट कर सकते हैं। फ्रंट डोर से बैक डोर के ऊपर एक काफ़ी खूबसूरत सी क्रोम की स्ट्रिप आ रही है जो कि गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सन वाइजर्स गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। ओवरऑल साइड से गाड़ी की लुक कुछ इस तरह की है। बैक फेंडर भी आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी की अगर बैक की बात की जाए, सिविक EXi की बैजिंग यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास बैक लाइट आ जाती है, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर और यहाँ पर छोटा सा हमारे पास रिफ्लेक्टर आ जाता है। की होल यहाँ से आप डिक्की वगैरह अपनी ओपन कर सकते हैं। नंबर प्लेट की ऑप्शन, बैक कैमरा अनफॉर्चुनेटली इंस्टॉल्ड नहीं है इसके अंदर, हुआ था इंस्टॉल लेकिन उतर चुका हुआ इस टाइम। यहाँ पर भी जिस तरह फ्रंट की हुड पर आपको ग्रिल मिलती है, सॉरी स्ट्रिप मिलती है क्रोम में काफ़ी खूबसूरत सी, वही मिल गई है। होंडा का एम्बोलम आ गया, इस साइड पर होंडा की बैजिंग आ गई, सेम टू सेम। ओवरऑल बैक से गाड़ी की लुक भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ पर देखते चले तो हमारे पास एक टेल लाइट आ जाती है, बैक स्क्रीन आप देख सकते हैं। EXi वेरियंट है, फुल ऑप्शन वाली नहीं है, इसके अंदर आपको सन रूफ वगैरह नहीं मिलेगा, बेसिक सिंपल सी रूफ है गाड़ी की। तो
उस साइड से भी गाड़ी सेम टू सेम है, आप देख लें इस साइड से भी गाड़ी को, इस साइड से बात कीजिए तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्यूल ओपनर आ जाएगा बस, बाकी ओवरऑल सेम है गाड़ी। डिटेक्टेबल मिरर्स नहीं है गाड़ी के, लेकिन बॉडी कलर्ड है, अंदर से अलबत्ता एडजस्ट हो सकते हैं इसके मिरर्स जो अंदर होते हैं। तो आए हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। व्यूवर्स शोर के लिए माजरत, क्योंकि मैं मेन जीटी रोड पर हूँ इस टाइम, तो इस वजह से शोर के लिए माजरत। गाड़ी के अंदर जाने से पहले आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ। बेसिक सी की है, आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, बेसिक सी की है कंप्यूटर की। तो आए गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं जी। तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की एंट्री एग्जिट दिखा देता हूँ। एंट्री एग्जिट गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा इजी है, यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं हाइट वाइज अपनी, ठीक है, ये इसकी हाइट एडजस्टमेंट है, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, एंट्री एग्जिट काफ़ी ज़्यादा ईजी है। साइड डोर जो है टू टोन में मिल जाएगा आपको, बेज कलर में और ब्राउन सा कलर इसको कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्ट टच में मटीरियल काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास कपड़े का काम हमें मिल जाएगा, विंडोज़ के कंट्रोल, विंडोज़ लॉक, यहाँ पर स्पीकर आ जाएगा दरवाजे में, आपके दोनों फ्रंट दरवाज़ों में स्पीकर आ जाता है, यहाँ पर फाइल होल्डर आ गया। तो इस साइड से बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास साइड मिरर्स के कंट्रोल आ गए, शायद इसके अंदर पहले सीएनजी आती हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस टाइम मौजूद नहीं है। ये फोग लाइट का बटन आ गया, इसका एसी वेंट आ गया, एसी वेंट के ऊपर काफ़ी खूबसूरत सी ब्राउन से कलर में एसी वेंट्स हैं, काफ़ी खूबसूरत सी स्ट्रिप दी जाती है क्रोम में। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो गाड़ी का स्पीडोमीटर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, एक साइड पर आरपीएम मीटर आ जाता है, दरमियान में स्पीडोमीटर, इस साइड पर हीट गेज और साथ फ्यूल गेज आ जाती है आपकी। थ्री फोर स्पोक स्टेरिंग व्हील है, होंडा का एम्बुलम भी आ जाता है, ब्राउन से कलर में स्टेरिंग व्हील है, सॉफ्ट टच मटेरियल में, ऐसा कैसे एक बैग कोई नहीं आता, उस ज़माने में नहीं था आते रिवाज। तो लेग स्पेस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 1.6। इस साइड पर मेरे पास क्लाइमेट कंट्रोल इसके इस तरह आते थे, उस ज़माने के लिहाज से बड़ी स्पीशियस कार समझी जाती थी। आफ्टर मार्केट एलसीडी इंस्टॉल्ड है, एंड्रॉयड नहीं है, हैज़र्ड लाइट बटन इसका यहाँ पर आ गया, ठीक है। एसी वेंट्स उसी तरह सेम टू सेम, ये ऊपर एक छोटी सी ट्रे दी जाती थी डैशबोर्ड के अंदर, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, सॉफ्ट टच में ही सारा डैशबोर्ड है इसका, ठीक है। पावर स्टेरिंग है गाड़ी में, इस साइड पर वाइपर से कंट्रोल आ गए, इस साइड पर इंडिकेटर से कंट्रोल आ गए गाड़ी के, सेम टू सेम है। इस दरवाजे की भी लुक आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा मेरे पास क्लब बॉक्स आ गया। इधर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास एसरे आ गया, 12 वोल्ट का सॉकेट आ गया। इधर देखते चले तो हमारे पास दो कप होल्डर की स्पेस आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मैनुअल ट्रांसमिशन, इधर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, थोड़ी सी इधर है, हैंड ब्रेक यहाँ पर आ गई गाड़ी की। सीट की कुशनिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अलबत्ता गाड़ी में कोशिश होने वाली है, ठीक है, लेकिन सीट की कुशनिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव के लिहाज से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको सुकून दे सफ़र देगी। तो आए मैं अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, बेसिक से मैंने आपको सारा दिखा दिया। तो व्यूवर्स गाड़ी मैंने आपको स्टार्ट करके दिखा दिया, स्टार्ट हो गई है गाड़ी, पावर स्टेरिंग गाड़ी में आता है, ठीक है। स्पीडोमीटर आपको खूबसूरत लगता है काफ़ी ज़्यादा, इस टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। एसी मैं इसका ऑन कर देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ये एसी मैं आपको फ़ैन भी इसका फुल करके दिखा देता हूँ, आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी का भी मैंने एसी सिर्फ ऑन ही किया और काफ़ी ज़बरदस्त इसकी कूलिंग है एसी की, ठीक है। तो साइड मिरर्स यहाँ से इसके एडजस्ट होंगे, वो आप देख सकते हैं एडजस्ट होगा, ठीक है। ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो सनवाइज़र आ जाता है, इस साइड पे भी मेरे पास सनवाइज़र आ जाता है, दरमियान में मिरर आ जाता है। हेड स्पेस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, एसी की कूलिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है, आपको इसके आवाज़ से भी अंदाज़ा हो जाएगा, और वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है एसी की कूलिंग। तो आइए अब चलते हैं इसकी बैक सीट पर, आपको बताते हैं बैक पर हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो व्यूवर्स गाड़ी की बैक सीट में आपको विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम बैक डोर है टू टोन में, एंट्री एग्जिट काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। फ्रंट सीट बिल्कुल पीछे है, तो इसके बावजूद मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ, दरमियान में बम्प वगैरह भी कोई नहीं है, आराम से इसके अंदर 5 बंदे सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर सोगी मैं आपको दिखाना भूल गया था, इस साइड पर एक हेडरेस्ट भी आता है, बैक से गाड़ी के इंटीरियर कुछ इस तरह का नज़र आता है, काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरी गाड़ी है।
इस साइड पे मेरे पास एक रूम लाइट आ जाती है जो कि इस टाइम वर्किंग कंडीशन में नहीं है। रूफ़ गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कारपेट रूफ है गाड़ी की, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। दरमियान में हमारे पास आर्म रेस्ट आ जाता है विद टू कप होल्डर्स। तो बैक पर देखते चलें तो हमारे पास दो स्पीकर्स दिए जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से कंपनी फिटेड आते हैं। दरमियान में ट्रे आ जाती है, काफ़ी खूबसूरत कार है। तो आज मैं अब आपको इसका ट्रंक स्पेस और इंजन रूम वगैरह चेक करवा देता हूँ। गाड़ी की ट्रंक जो है वो आपको की के साथ ही ओपन करनी पड़ेगी। अंदर भी स्लैश दिया जाता है लेकिन मैंने की के साथ ओपन की है। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत सी, खूबसूरत तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी डिसेंट ज़्यादा स्पेस है गाड़ी के अंदर ना। ठीक है, हैचबैक कार है तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्पेस है गाड़ी की ट्रंक के अंदर। तो आई मैं आपको इसका इंजन चेक करवा देता हूँ। तो व्यूवर्स, आपको गाड़ी का मैं इंजन विज़िट करवा रहा हूँ। 1.6 मैनुअल ट्रांसमिशन होंडा की बैजिंग के ऊपर मिल जाएगी। बैटरी की कंडीशन भी अच्छी है, ड्राई बैटरी इंस्टॉल्ड है। इंजन की ओवरऑल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सिविक ईगल आई EXi का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। गाड़ी की जो ऑनर डिमांड कर रहे हैं वो 14,50,000 रुपये है, कमी पेशी हो जाएगी। अल हक मोटर से आपको गाड़ी मिल जाएगी। मैंने आपको फ्रंट पर इसका दिखा भी दिया था कि ये इनके फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप गुजरांवाला में आके गाड़ी विज़िट कर सकते हैं। तो अगर और कोई भाई अपनी गाड़ी की वीडियो वगैरह बनवाना चाह रहा है गुजरांवाला में तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का डिटेल रिव्यू। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।